पहले सोफिया चलो जल्दी से उठ जाओ, आज हमारा पेपर है और तुम इतनी देर तक सो रही हो। पहले आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। मम्मा मम्मा चलिए ना जल्दी से, मुझे नहला दीजिए ना। चलो सुहाना बेटी, मैं तुम्हें नहला कर तुम्हारा यूनिफॉर्म पहना देती हूँ। पहले आज हमारा इंग्लिश का पेपर है और सुहाना ने पूरी रात में बैठकर पढ़ाई की है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं की है। पहले मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो जाने दो, मैं भी नहा धोकर यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ। और सुहाना सोफिया स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले शीतमाशी जल्दी से नाश्ता निकालिए, हम स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ सुहाना, तुम्हारा नाश्ता रेडी है, मैं अभी 2 मिनट में निकालती हूँ। हाँ ये लो सुहाना सोफिया, मैंने तुम दोनों का भी नाश्ता निकाल लिया है, अब तुम जल्दी से नाश्ता करके अपने स्कूल चले जाओ। पहले हाय शीतमाशी, और सुहाना सोफिया नाश्ता करने लगते हैं। पहले वो हमारा नाश्ता तो हो गया है। मम्मा मम्मा हमारा नाश्ता हो गया है, लेकिन हमारी अभी तक स्कूल बस नहीं आई है। मम्मा मम्मा आज हमारा इंग्लिश का पेपर है, हमें बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। अरे सुहाना आ जाएंगी, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अरे दीदी मुझे तो ऐसा लगता है ये बस नहीं आने वाली है। दीदी आप ही क्यों ना स्कूटर पर सुहाना और सोफिया को छोड़कर आ जाओ। हाँ शीतमाशी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मम्मा मम्मा हमें स्कूटर पर स्कूल छोड़कर आ जाइए ना। अरे हाँ सुहाना, ना जाने तुम्हारी स्कूल बस कब आएंगी। चलो जल्दी से तुम स्कूटर पर बैठ जाओ, मैं स्कूटर चालू कर रही हूँ। चलो सुहाना तुम बैठ गई हो ना, मैं स्कूटर चालू कर रही हूँ। मम्मा मैं और सोफिया स्कूटर पर बैठ गए हैं, प्लीज मम्मा जल्दी से स्कूटर चालू कीजिए ना, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। सुहाना ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू शीतमाशी, मैं अच्छे से ही पेपर दूंगी। अरे आज ये बच्चों को इंग्लिश का पहला पेपर है, अब ना जाने बच्चे कैसे पेपर देंगे। अब तो बस दुआ ही करनी होगी कि सुहाना सोफिया का अच्छे से पेपर हो जाए। अरे वाह सुहाना तो अभी तक नहीं आई है, बस ऐसे ही नहीं आना। सुहाना का इंग्लिश का पेपर छूटा ना तो सुहाना तो फेल हो जाएंगी, फेल। ये मैडम भी ना जल्दी से पेपर बांट भी नहीं लाए है। जल्दी जल्दी पेपर बांट देना और खत्म करना कहानी। उतर जाओ, तुम्हारा स्कूल आ गया है। अरे मम्मा मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, देखिए ना मुझे तो ऐसे लग रहा है पेपर चालू हो गए हैं। सुहाना इसमें डरने की क्या बात है, तुम तो कल रात से पढ़ाई कर रही हो ना बेटा, तो तुम अच्छे से ही पेपर दोगी। चलो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने पेन सब अच्छे से लिए है ना। अरे हाँ मम्मा हमने सब चीजें ली है। ऑल द बेस्ट सुहाना बेटे, अच्छे से पेपर देना। थैंक यू मम्मा। पहले ये क्या, मम्मा तो चले गई, चलो अब जल्दी से हमें पेपर देना होगा। चलो सोफिया। मैं आई कमिंग मैम। अरे हाँ सुहाना, खम खम तुम आज बहुत ज्यादा लेट हो गई हो। चलो बेटा जल्दी से आओ, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा हुआ तुम पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आ गई। अरे हाँ मैडम, आज हमारे घर पर स्कूल बस नहीं आई ना, इसीलिए बहुत टाइम हो गया है। अरे चलो मैं भी अपनी जगह पर जल्दी से बैठ जाती हूँ। अरे ये क्या, सुहाना तो आ गई। चलिए नैन्सी मैडम पेपर बांट दीजिए, टाइम हो गया है। और आपको मालूम है ना, प्रिंसिपल गोलू सर हर क्लास में जा जाकर चेक करने वाले हैं कि सही तरीके से एग्जाम पेपर बच्चे दे रहे हैं कि नहीं, इसीलिए सब हमें टाइम पर करना होगा। अरे हाँ नैन्सी मैडम आप बिल्कुल सही कह रही है, आज इंग्लिश का पहला पेपर है। चलो अब जल्दी से मैं बच्चों में बांट देती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो एक चीज भूल रही हूँ, सभी बच्चे अपने अपने बैग बाहर रख कर आ जाइए, आपके बेंच पर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए सिवाय एक पेन के, समझ में आया ना। यश मैडम, चलो मैं भी अपने बैग बाहर रख कर आती हूँ। अरे ये क्या मैडम, तो बैग बाहर रखने लगा ली है और मेरे बैग के अंदर ही चीटिंग है। अरे अब मैं पेपर कैची कर लूंगी। और सभी बच्चे अपने अपने बैग बाहर रखने लगते हैं। अहली अब मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग की बत्ती बुझ गई है। चलो जाने दो, अब यहाँ पर मैं बैग रख देती हूँ। चलो अब सभी बच्चों ने अपने अपने बैग बाहर रख दिए ना, चलो अब क्लास में आकर बैठ जाओ। चलिए मैडम पेपर बांट दीजिए, हम सब लेडी है। ठीक है सुहाना, सभी बच्चे अच्छे से पेपर खड़ेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, और जो भी बच्चा चीटिंग करते हुआ पकड़ा गया तो उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। सुहाना, फेंकी, फेंकू, सोफिया, छिंकी, रिंकी, मेंकी, और सभी बच्चे अपना अपना पेपर लिखने लग जाते हैं। अरे वाह ये तो मेला पेपर है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये तो बहुत इजी है। अरे बिल्ली को इंग्लिश में कैट कहते हैं, चलो जल्दी से लिख लेती हूँ। अरे वाह चलो मैंने तो बिल्ली का लिख लिया है, लेकिन ये क्या है, सेकंड नंबर पर बंदल। अरे बंदल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है, अरे वो क्या है, मंकी, 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 अरे अरे हमारे छत के ऊपर मंकी। अरे दादी माँ क्या हो गया है। अरे सुहाना बेटे हमारे छत पर बंदर आ गया है।
अरे राम बेटा चलो जल्दी से इधर आ जाओ, ये मंकी को भगा दो। अरे मुझे तो आज दादी माँ से एक नई बात सीखने के लिए मिली है, बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। अरे वाह मुझे याद आ गया, बंदर को इंग्लिश में मंकी कहते हैं। अहले लेकिन गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अहले एक दिन मम्मा कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी मम्मा? अरे सीता तुमने काव को चारा डाल दिया है क्या? अहले मम्मा आप काव किसे कह रही है? अरे सुहाना बेटे मैं अपनी गायों को काव बोल रही हूँ, गाय को इंग्लिश में काव कहते हैं। अरे हाँ मम्मा मैं तो ये भूल ही गई थी, गाय को इंग्लिश में काव कहते हैं। अहले भाई याद आ गया, चलो अब जल्दी से ये भी लिख लेती हूँ। अहले ये पेपर कितना ज्यादा हाथ दिख रहा है। अहले इसमें से तो मुझे कुछ कुछ आंसर आते हैं और कुछ कुछ नहीं, अब मैं क्या करूँ? इसमें से मुझे कुछ कुछ आंसर याद है। अहले ये पेपर देखकर तो मुझे चक्कर आ रहे है। अहले वो देखो चुहाना कितने अच्छे से कर रही है। अहले चलो थोड़ा सा देखती हूँ। अहले क्या है वो बिल्ली के सामने क्या लिखा हुआ है? अहले मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। छोला छा और झुकती हूँ और झुकती हूँ। अहले क्या है क्या है? अहले आज तो मैं बाल बाल बची। अरे टीचर देगी ना पिंकी मेला देखकर लिख रही है। अरे पिंकी चीटिंग मत करो, सब अपने अपने लिखो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अहले मेले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, चलो थोड़ी सी मैं जेली खा लेती हूँ। अहले वाह ये कितनी मीठी जेली लग रही है। अरे पिंकी तुम क्लास में क्या खा रही हो? अरे छुट्टी मैडम आप ही तो कहती है हर अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए, और अब मैं मीठा खा रही हूँ तो आप मुझे लोक लई है। अरे पिंकी ये सब तुम अपने घर पर भी खा सकती थी, अब जल्दी से ये फेंक दो नहीं तो ये डंडा तुम्हारी पीठ पर ही पड़ेगा। अरे मैडम इसका मतलब मैं ये अनाज को फेंक दूँ? आप ही तो कहती है अनाज को नहीं फेंकना। ठीक है अब आप ही कह रही है तो मैं अनाज को फेंक कर आ जाती हूँ। अरे पिंकी अब तुमने वो खा ही लिया है ना, अब खा ही लो, तुम बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ हो। अरे मैडम आप ही कह रही है खा लो फेंक दो, अब मैं क्या करूँ? चलो जाने दो मैं इसे खा ही लेती हूँ। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह खा के मजा आ गया। अरे पिंकी तुम खाकर यहाँ पर ही फेंक रही हो, जल्दी से इसे ले जाकर बाहर फेंक कर आओ, तुम मेरा दिमाग का पारा ऊपर कर रही हो। आज तुम्हारी ऐसी कुटाई होगी कि तुम कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे ये पिंकी कितना ज्यादा परेशान करती है। ठीक है मैडम मैं इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। अरे अब ना जाने मेरी बहन भी कब बाहर आएंगी, प्लान के मुताबिक तो उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। अरे वाह लगता है वो बाहर आ गई है। अरे अब प्रिया दीदी किधर है, मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अरे वो नहीं प्रिया दीदी, प्रिया दीदी। अरे वाह मेरी प्यारी बहन तुमने चिट्ठी लेकर आ गई। अरे हाँ पिंकी ये देखो इंग्लिश स्पोकन बुक, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है, जैसे कि कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे वाह मेरी प्यारी दीदी आपने बहुत सही बुक लेकर आई है, चलिए जल्दी से मुझे दे दीजिए। अरे मैं क्या देख रही हूँ, गोलूशल। अरे प्रिया दीदी छुप जाइए, उधर से गोलूशल आ रहे है। अरे चलो जल्दी से हम छुप जाते हैं। अरे पिंकी तुम पेपर के टाइम पर बाहर क्या कर रही हो? अरे गोलूशल मैं ये घान फेंकने के लिए आई थी। हाँ फेंको जल्दी से और क्लास में जाओ। अरे हाँ गोलूशल, आखिर प्रिंसिपल है हम इस स्कूल के, चलो जाकर देखता हूँ बच्चे पेपर कैसे कर रहे हैं। अरे स्वीटी मैडम ऐसा लग रहा है गोलू सर क्लास में आ रहे हैं। तो बच्चों पेपर कैसे चल रहे है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और स्वीटी मैडम कोई भी बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं गोलू सर, आप देख सकते हैं हमने सभी बच्चों के बैग सब कुछ बाहर रखवा दिए हैं। वेरी गुड स्वीटी मैडम, बहुत अच्छे। चलो आपसे मुझे मीटिंग में कुछ बात करनी है, ऑफिस में आ जाइए। चलिए स्वीटी मैडम, अब ना जाने गोलू सर को हमसे क्या बात करनी है। देखो सभी बच्चे अच्छे से पेपर खड़ेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं खड़ेगा। देखो सुहाना तुम ध्यान रखो, हम अभी ऑफिस से आते है। अरे वाह चलो मेरा अच्छा खासा पेपर तो हो गया है, लेकिन मोटापे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अहले क्या कहते हैं? अहले मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे मैं ये खाओ भी के नहीं, मेरे अंदर कितना ज्यादा फैट जमा हो रहा है, मैं दिन ब दिन मोटी दिखती जा रही हूँ। अहले शीतमाशी आप ये क्या कह रही है, डाइटिंग फैट, इसका मतलब क्या है शीतमाशी? और इंग्लिश में मोटापे को फैट कहते हैं। अहले तो ऐसी बात है शीतमाशी, मोटापे को इंग्लिश में फैट कहते हैं। चलो अब जल्दी से लिख लेती हूँ। अहले अब मैं क्या करूँ, वो चुहाना को तो देखो कितनी फटाफट लिख रही है। अहले पिंकी ये लो मैंने यहाँ से फेंक दी है। अहले वो इंग्लिश स्पोकन बुक, चलो जल्दी से हम इसमें से देख लेते हैं। अहले हटो हटो मुझे लेने दो, ये बुक मेरी है। अहले ये क्या, ये सब की सब पागल हो गए, मेरी बहन ने मुझे बुक लाकर दी है और ये लोग दीवाने हो रहे हैं। अहले हटो हटो दूर हटो, हट ले पिंकू मोटे, ये मेरी बुक है, हट जाओ मुझे लेने दो। अहले नहीं पिंकी ये मेरी बुक है,
अरे पिंकू मोते हट जा, नहीं तो तेले मेले बहुत खतरनाक झगड़े हो जाएंगे। पहले नहीं मुझे लेनी है। अरे सबकी सब वहाँ से हट जाओ, ये मेरी बहन की बुक है, मैंने उसे ये चिटिंग लाकर दी है। तुम सब क्यों भेल बकलियों की तरह घुस रहे हो? अरे मुझे ऐसे लगता है इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। अरे यहाँ पर कहीं फटल पला हुआ दिखला है क्या? मैं उसे फटल ही फेंकेल मारती हूँ। ये ले पिंकू मोते। अरे टगला भूताले, अरे पीलिया दीदी आपने कितनी जोर से मारा है। अरे चलो मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। अरे दो चुटिया वाली रख ली है कि तुझे भी फेंकल दू। अरे सोफिया जाने दो, ये पिंकी की तरह उसकी बहन भी खतरनाक है। अरे पिंकी ये लो, हमें चीटिंग की जरूरत नहीं है, हम खुशी हमारा पेपर लिख सकते हैं। अरे बली आई बली बली बातें करने वाली, जब चीटिंग की जरूरत नहीं थी तो पहले हमला क्यों बोला था मेरी बुक के ऊपर? चलो जल्दी से मैं अपना पेपर कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अरे वाह, ये बुक के अंदर तो पूरा लिखा हुआ है। चलो अब जल्दी से मैं भी लिख लेती हूँ। अरे हाँ, मैडम ने ही एक टाइम पलाया था, मुझे नींद आ रही है, इसे इंग्लिश में आई एम स्लीपी कहते हैं। अरे वाह, मेरा इतना पेपर करना तो हो गया है। अरे मेरी लाइटिंग कितनी बकवास आ रही है, ये क्या है क्वेश्चन नंबर टू, मुझे नींद आ रही है। ये तो बहुत सही लिखा मैडम ने, सही में मुझे ये पेपर देख के नींद आ रही है। अरे वाह, मिल गया, मुझे नींद आ रही है, आई एम स्लीपी। चलो अब जल्दी से ये भी लिख लेती हूँ। अरे लेकिन ये क्या छुट्टी मैडम आ रही है। अरे फिर कुछ को, अरे ये क्या छुट्टी मैडम आ रही है, अभी आखिरी क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेती हूँ। अरे ये क्या है, मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, मुझे कुछ तो याद आ रहा है, जब हम कल से नाश्ता कल के निकल रहे थे तो मम्मा तो कुछ बोल रही थी। अरे सुहाना बेटा, तुम्हें तो बहुत जोर से हंगरी लगी होगी ना, चलो जल्दी से तुम खाना खा लो। अरे पायल दीदी, आप सुहाना को हंगरी क्यों कह रहे हैं? मुझे तो सही में बहुत हंसी आ रही है। अरे सीता, मैं हंगरी नहीं हंगरी कह रही हूँ, और इसका मतलब ये है कि सुहाना तुम्हें नाश्ते की भूख लगी होगी ना, तो तुम जल्दी से हंगरी कर लो। भूख को इंग्लिश में हंगरी कहते हैं। मुझे भूख लगी है मतलब आई एम हंगरी। चलो अब जल्दी से ये भी लिख लेती हूँ। चलो बच्चा, तुम सबका टाइम खत्म हो गया है, सब अपने अपने पेपर जमा कराओ। अरे वो क्या है, इंग्लिश स्पोकन बुक, ये बुक किसकी है? अरे मैडम, वहाँ से वो विंडो की तरफ से एक लड़की फेंककर गई थी। चलो मैं इसे यहाँ पर रख देती हूँ। अरे आज मेरी बहन बाल बाल बची। चलो आप सब अपने अपने पेपर जमा कराओ। ला सुहाना। चलो मैंने सभी के पेपर ले लिए है, उम्मीद करती हूँ कि सबने अच्छे से ही पेपर किया होगा। और सब एक जरूरी अनाउंसमेंट की तरफ ध्यान दें, आप सभी को होली की 5 दिन की छुट्टी लग रही है, फिर आपको 5 दिन के बाद स्कूल में आना है, और आपका सेकंड पेपर हिंदी रहेगा, अच्छे से अपने हिंदी पेपर की तैयारी करके आना। चलो बच्चे, तुम्हारी स्कूल छूट गई है, तुम सब घर पे जा सकते हो। अरे वाह, मेरा पेपर तो बहुत अच्छे से गया है, चलो अब जल्दी से मैं बाहर से अपना बैग ले लेती हूँ। और सभी बच्चे अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। अरे आज का पेपर तो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, लेकिन जाने दो, पिलिया दीदी ने चीटिंग लाकर दी ना, तो कैसे भी हो गया। अरे पिंकी, ए पिंकी, ए चीटिंग चोर, मेरे वास्ते तो लोग क्या अकेली अकेली भाग रही है। अरे वाह, मैं वो क्या दिख रही हूँ, मेरी मम्मा आ गई। अहले मम्मा, आप हमें लेने के लिए भी आई है? अरे हाँ सुहाना, आप क्या कहूँ तुमसे, सुबह से तुम्हारा पेपर चल रहा है और मेरा घर में दिमाग ही नहीं लग रहा है, सुबह से बेचैनी हो रही है और सोच रही हूँ कि तुम दोनों का भी पेपर कैसे जा रहा होगा। तुम दोनों का पेपर अच्छे से गया ना? अहले मम्मा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, और आपको मालूम है हमें होली की 5 दिनों की छुट्टियाँ मिली है।